तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपने इंडियन कार सिमुलेटर 3D गेम के अगले अपडेट के अंदर क्या क्रूज कंट्रोल ऐड होने वाला है। सो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जिन लोगों को क्रूज कंट्रोल के बारे में पता नहीं है कि भाई क्या है ये चीज, तो मैं बता दूं भाई, ये जो मैं अपने स्कॉर्पियन को 100 के स्पीड में चला रहा हूँ और मुझे एक्सेलेटर नहीं पकड़ना, मुझे सिर्फ ये जो स्टेयरिंग है उसको ही कंट्रोल करना है, तो मैं जो है 100 के स्पीड लिमिट पर जाकर इसको ऑटोमेटिक पर सेट करूँगा और वहाँ पर ये मतलब खुद से चलती रहेगी, मुझे सिर्फ स्टेयरिंग पर हाथ रखना है और वैसा ही है। तो जब अगर आप लोग लॉन्ग ट्रिप पर जैसे लंबे लंबे रास्ते पर चलोगे तो आप लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और जिनको पता है तो भाई उनको पता ही है। और अगर आप लोगों को ये वाला चाहिए तो भाई जल्दी से जल्दी भाई अपने कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दो। और शायद से इस अपडेट में ना आए, मैं बता दूँ आप लोगों को, बाद में मत कहना कि नहीं आया, शायद से इस अपडेट में ना आए क्योंकि भाई इस अपडेट में बहुत ज़्यादा ही काम है, तो शायद अपने जो डेवलपर है वो ना ही ऐड करे, इसके बाद वाले अपडेट में भाई कंफर्म आ जाएगा, मैं आप लोगों को बता दूँ। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।